सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। अभी मैं जहां पे मौजूद हूं मेदिनी नगर में वार्ड नंबर 26 और जो वार्ड पार्षद के रूप में खड़े उतरे हैं मतलब उतर रहे हैं और मोहम्मद इसराफिल अंसारी, डायरेक्ट हम इन्हीं से बात करते हैं कि बताइए कैसे आपको यहां पे उतरना हुआ, क्या क्या सोचे आप? मैं अभी तक चुनाव में देखें कि जो अगला आदमी उठे हुए थे 15 साल से, तो अभी तक ऐसा कोई चीज़ काम करके नहीं दिखा पाए जो हमको ऐसा पब्लिक ने बीच में हमको उठाया, चुना, पसंद किया हमको कि वो चीज़ आप कर सकते हैं, आपका बुलंद है हौसला, आप कर सकते हैं। वही में फील्ड में हम आना शुरू कर दिए। हर दुख हर तकलीफ में हम एनी टाइम खड़ा रहते हैं और देखते रहते हैं। 15 साल में अभी तक हम बोले कि रोड का कुछ नहीं हाल हुआ है, सुधरा भी नहीं है, कहीं तो कोभर तार भी नहीं लगल था थी जिसमें कोभर तार भी लगवाए हम लोग लड़के बिजली विभाग से, हम लोग कि देखे सर इधर पानी होने के बाद लंगा तार गिर जाता है तो कोभर तार में हम लोग बदलें। और यहाँ 15 मिनट में बारिश में देखिएगा कि घर घर में नली का पानी घुस जाता है। आने जाने का मस्जिद रोड है, मस्जिद रोड से आने में बहुत नमाजी लोग का दिक्कत होता है। इसी विचार में हमारे समाज से भी जो हमारे समाज चुने हमको वार्ड नंबर 26 से कि आप उठ सकते हैं, आप हौसला है, आप कर सकते हैं, तो समाज के बीच में हम खड़ा हुए हैं। और ये जीत मैंने और भी तमन्ना है कि और कोई के भी हेल्प करने, और हमारा उम्मीद है कि इस बार हमको अच्छा उम्मीद 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 है इनको जीत का। लेकिन ये जीत इनको कितना इनके लोग जिला पाते हैं, इनको आपको अपने लोगों से कितना उम्मीद है कि कितना आपको लोग जिता सकते हैं? बहुत उम्मीद है और उम्मीदी के हिसाब से हमको खड़ा किया गया है कि इस बार आप फाइट कर सकते हैं और आप पे हौसला है कि आप लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। समाज हमको चुना तब है ना इस मुकाम पे, देखिए कि नाम हो रहा है, शोहरत मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, तब ना जा करके हम लोग 3 साल से ये मेहनत कर रहे हैं। हम इस वार्ड में हर वार्ड का भी मेहनत करते हैं लेकिन हम अपना वार्ड के बता रहे हैं कि अपना वार्ड में इस दिलो जान से लगे हुए हैं और मेहनत करते आके हैं। कभी देखते हैं कि नमाजी लोग के दिक्कत होता तो अपने से झाड़ू उठा करके पानी सोटे लगते हैं, कभी नली में साफ करवाते रहते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि वार्ड कमिश्नर पद पर रहे लेकिन उस चीज़ जनता को आए चल के दिक्कत ना पहुँचे। आज तकला कोई चीज़ लाभ ऐसा नहीं है कि पहुँच पाया है 26 नंबर वार्ड में। इनका कहना है कि 26 नंबर वार्ड में अभी तक कुछ ऐसा सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जिनके वजह से ये यहाँ के लोग नाराज हैं। तो आप ये नाराजगी किस तरह जाहिर करना चाहते हैं? इस बार जीतने के बाद आप क्या बदलना चाहते हैं? जीतने के बाद बदलना चाहते हैं कि जितना ये रोड नाला ये है इसका हम दिल से कह रहे हैं कि इसको हम बनवाएंगे, जहाँ तक हमको लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, लेकिन इस रोड और नाला के लिए हम करेंगे और सप्लाई पानी के लिए भी लड़ेंगे, ऊपर तक भी लड़ेंगे। और समझिए कि आप आते समय तो देखभी किए होंगे हमारा रोड का क्या हाल है, नली का क्या हाल है, आप तो देखभी कि आपसे छुपा हुआ तो नहीं है, पूरा देख लीजिए घूम के, कहीं बहुत तरह के बहुत दिक्कत है इस वार्ड में कि चलने आदमी को भी बहुत तरह के दिक्कत पड़ता है। और हमको ऐसा समाज चुना कि हम उस लायक हैं, हमको चुना कि हम उस लायक से हम खरा उतरेंगे और इंशाल्लाह खरा उतरेंगे, नहीं उतरेंगे हमको समाज हटा दे देगा कोई नहीं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि ये चीज देखने की चीज है। वाकई में यहाँ का जो स्थिति है बहुत ज्यादा जर्जर है। क्या आप इस जर्जरपन को देख के कहीं पे लिखित और मौखिक देने का कोशिश किए क्या? बहुत बोले हैं हम, अरुणा शंकर के भी देखा है तो अरुणा शंकर बोले कि बन जाएगा, लेकिन आज तक 15 साल से अभी तक बना है, कुछ हुआ नहीं है, बना है, बन गया, आश्वासन देते गए कि हाँ बन जाएगा। देख लीजिए नल्ला का स्थिति, पानी का दिक्कत हो रहा है, आज कितना दिन से हमको कल से फोन आ रहा, परसों से फोन आ रहा है कि पानी नहीं आ रहा है, सप्लाई पानी। हम आवाज़ भी उठाएं तो भी आवाज़ कहाँ कहाँ दब जाते हैं कोई पता नहीं, लेकिन हम ऐसा हैं कि हम फाइट करेंगे, हमेशा फाइट करेंगे और इसलिए हमको इस पद पे हैं
और रहेंगे भी, और जितना हम जो जनता को तकलीफ है वो जनता को हम पूरा करके दिखाएंगे। चूंकि ये तो रोड और नाली और सड़क की बात है, आप जीतने के बाद और क्या, और खासकर महिलाओं के लिए क्या क्या सोचे हैं? महिलाओं के लिए हम सोचे हैं कि महिलाओं लोग के लिए कि आप हर तरह का उसका लाभ जो नहीं पहुंच पाता है लाभ हम पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे, अपना ऊपर तक के आवाज उठा के जनता को लाभ हम पहुंचाएंगे बहु बेटी के सबके लिए। और वो चीज देखिए अभी बहुत तरह का हम बता रहे हैं कि विद्या पेंशन नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, गरीब लोग इसमें चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं चप्पल तोड़ के, लेकिन उसका कोई सुनियाई नहीं होता है। उसके लिए हम खरा उतरेंगे और इंशाल्लाह खरा उतरेंगे, नहीं उतरेंगे हम दिल से हट जाएंगे अपने आप। कैमरामैन मोहित के साथ मैं हूं इमरान और आप देख रहे थे सिटी न्यूज झारखंड।